हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सावल क्लासेस। किदा हो जी सारे? आई होप कि तुसी सब वधिया होगे। तो मैं अनमोल अरोड़ा सर जो है फिर तो थोड़े सामने हाँ। सी डी पी दे जो है पेपर जो होया सिगा 25 सितंबर 2018, उस दे जो है पेपर वन असी जो है डिस्कस करन जा रहे हैं। जिदा कि थोड़े नाल पहला ही प्रोमिस सिगा कि हाँ प्रीवियस ईयर दे बाकी जो रहिंदे पेपर है उन्होंने डिस्कस करना है, तो जरूर असी भी उसे नूं जो है अज कॉन्टीन्यू करन जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह तुसी इस वीडियो में भी मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर करना है ताकि तुसी तो बेनीफिट ले ही रहे हो तो वह भी इसका बेनीफिट जरूर तो उठा सकन। ठीक है जी, तो पेपर का मैं थोड़ा डेट दस चुका जो 25 फरवरी 2018 को पेपर होया सीगा, पेपर वन है जी ये। ठीक है, उसके रिगार्डिंग मैं थोड़े नाल डिस्कशन करूँगा, तो जरूर इस दे नाल आपां जो है फुल डिटेल वीडियो जो है इस दे विच आपां देखन वाले हाँ, पूरी एक्सप्लेनेशन दे नाल इसनूं देखन वाले हाँ। तो जरूर जी देखते हैं अगे फ्यूचर विच थोड़े लिए हैल्पफुल हो सकता है पेपर भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, इको जिहियां विशेषतावां दे आधार ते वस्तुआं दा इकट्ठा समूह करन दी काबलीयत नूं जीन प्याजे दे बौद्धिक विकास दे सिद्धांत अनुसार कहा जांदा है। फर्स्ट ऑप्शन है एकमिक करना, सैकिंड है समायोजन करना, वर्गीकरण या वर्ग विच शामिल करना। तो चार ऑप्शन है, द एबिलिटी टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स टूगैदर ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स अकॉर्डिंग टू जीन प्याजेज कोग्नेटिव डिवेलपमेंट थ्योरी इज टर्म्ड एज, देन इसके लिए आंसर राइट रहेगा वर्गीकरण या क्लासीफिकेशन। यही ऑप्शन जो है थोड़े लिए इतने जो है बिल्कुल एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप गल करिए तो क्लासीफिकेशन वर्गीकरण के नाल सिंपल ये गल्लां सानू जो है क्लीयर कीतियां जा ही रही हैं। अगे वधदे हां जी, असीं क्वेश्चन नंबर सैकेंड नूं देखदे हां। स्पीयरमैन दे टू फैक्टर थ्योरी दे विच दो फैक्टर सिद्धांत दे विच हेठ लिखियां विचों किहड़ा एस फैक्टर प्रभावित करता है या किहड़ा एस फैक्टर नूं डिफाइन करता है। ठीक है, एक्चुअली विच इत्थे होना चाहिए थोड़ी टाइपिंग मिसटेक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीप्रजेंट्स एस फैक्टर इन स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी। दैन ये तुसीं जानते हो इसके लिए स्पैसीफिक फैक्टर बिल्कुल एक जो है इसके लिए एक राइट आंसर है। इस दे बारे में असी भी पहला काफ़ी बार डिस्कस किया होया, तो स्पैसीफिक फैक्टर एक बिल्कुल जो है एक इसके लिए राइट आंसर रहेगा थोड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि दे मल्टी फैक्टर सिद्धांत का व्याख्या दाता जो है व्याख्याता कौन सी। अगर आप इस तरह देखिए, हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, दैन तुसी जानते हो कि इसके लिए कि ऑप्शन नंबर जो है अपने कोल फर्स्ट ही राइट होने वाली है, एडवर्ड ली थोंडाइक ही जो है मल्टी फैक्टर थ्योरी इन्होंने दी सी, जिन्हों के अकॉर्डिंग गल आई कि थ्योरी दे बेसिस से कि इंटेलीजेंस एक सिंगल टाइप की नहीं है, इंटेलीजेंस मल्टीपल टाइप्स की होंगी है, सॉरी मल्टी फैक्टर्स मीनस फैक्टर मल्टीपल होंगी है, इंटेलीजेंस मल्टीपल होने की गल इसने नहीं की, इंटेलीजेंस मल्टीपल होने की गल की हार्वर्ड गार्डनर, बट इसने मल्टीपल फैक्टर्स दसे से इंटेलीजेंस की, वो गलत देख सकते हो। नेक्स्ट है जी, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इस रिगार्डिंग, हेठ लिखिया हेठ दित्या विचों किहड़े सिद्धांत का विचार है कि व्यवहार में जवाबों की पुष्टिकरण और निरंतर अनुमानों आकार दिता जा सकना जा सकता है और इच्छित व्यवहार के ज़्यादा नज़दीक पहुँचने वाला है। Which of the following theories views that behavior could be shaped through successive approximation and reinforcement of responses is more nearly approaching towards desired behavior? देखो इस दे लई असीं जानते हैं शेपिंग की गल ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्यूरी दे विच हुंदी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्यूरी एक इसके लिए राइट आंसर रहेगा। ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसती है, बी एफ स्किनर की, एंड शेपिंग की गल इन्होंने की हुई है, एंड शेपिंग तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, एंड शेपिंग एक सिंपल जहा कंसैप्ट जो थोड़ा क्लीयर भी किया जा रहा है कि किसी के व्यवहार में आकारित करना है जिसके बेसिस से किसी ने किसी रीइनफोर्सर सिलेक्ट करना है, फिर उसका प्रोपर यूज़ करना है, एंड जो तुम चेंज लैके आना चाहते हो चेंज लैके आ जाते हो, तो सारे का सारे प्रोसैस शेपिंग है। नेक्स्ट एक सिंपल जहा क्वेश्चन जो आया हुआ सी 2018 वाले पेपर में ही, वैसे पेपर थोड़ा पहले ही दस चुके हैं कि 2017 वाला 2017 ईयर का मीनस पेपर सेगा, पर यह होया 25 फरवरी 2018 में। तो ट्रेड सिद्धांत हेठ लिखिया विचों किहड़े पक्ष नाल संबंधित है, फर्स्ट बुद्धि, सैकिंड तरक्की अते शख्सियत, शख्सियत या रचनात्मक। देखो जी, ये परसनैलिटी टॉपिक नाल जुड़िया हुआ सी, जो क्वेश्चन है इंग्लिश में भी दसना, ट्रेड थ्योरीज आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग आस्पेक्ट्स, दैन आंसर इज इन परसनैलिटी। वैसे फर्स्ट रेट थ्योरी देने वाले पर्सन आलपोर्ट सी, फिर कैटल दी आई है, तुसी देख सकते हो। नेक्स्ट है जी, सिक्ख्या की बालवाड़ी प्रणाली का अर्थ छोटे बच्चों का बाग है, तो यह धारणा हेठ दित्तियां विचों किसने दिती है। किंडरगार्टन या के जी सिस्टम ऑफ एजुकेशन मीनस गार्डन ऑफ स्मॉल किड्स हु गेव द कंसैप्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग पर्सनस, दैन आंसर इज फ्रेडरिक फ्रॉबल।
सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल एक राइट रहेगी ना। फ्रेडरिक फ्रॉबल के जी मैथड बहुत फेमस है जी, इस परसन के लिए क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं, असं जानते हाँ, तो ये तुम जरूर तो देख सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन है जी, प्याजे के सिद्धांत में प्री ओपरेशनल पद्धर जो है, प्री ओपरेशनल जो स्टेज है अगर आप गल करिए तो की कहलाता है, उसके लिए तुम्हें दसना है कि प्री ओपरेशनल जो स्टेज है उसके लिए वो की कहलाएगी, मीनस उसके लिए कि बेसिस से उसको डिफाइन कर सकते हो। द स्टेज प्री ओपरेशनल इन प्याजेज थ्योरी इज कॉल्ड प्री ओपरेशनल बिकॉज, क्यों कहलाती है ये प्री ओपरेशनल। दैन सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल एक राइट होने वाली है, द चिल्ड्रन हैव नॉट येट मास्टर्ड द एबिलिटी टू परफॉर्म मैंटल ओपरेशन, कि बच्चों के हाले तक मानसिक क्रियावान करन दी समर्था विच महारत हासिल नहीं कीती हुंदी। देखो असीं जानते हैं कि बच्चे लॉजिक्स वगैरह नहीं लगा सकते, सेकंड स्टेज दे विच बच्चे दे इंट्यूटिव थॉट्स होंदे है, बिना तर्क तो विचार होंदे है, तो उस तरीके नाल असीं देख सकते हैं। नैक्सट है जी एट क्वेश्चन, किसने मनुखी व्यवहार अते जो है विकास दी जो है वातावरण विच इनाम अते दंड दे प्रतिक्रिया दी प्रक्रिया दे तौर ते जो है व्याख्या कीती है, इसके लिए तुम्हें दसना है। हु हैज़ डिस्क्राइब्ड ह्यूमन बिहेवियर एंड डिवेलपमेंट एज अ प्रोसैस ऑफ रिस्पोंडिंग टू अ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इन द एनवायरमेंट, दैन आंसर थोड़े सामने रहेगा बी एफ स्किनर। देखो व्यवहारवादी लोग इसकी गल करते सी, हालांकि थोंडाइक ते स्किनर ऐसे टाइप की गल करते हैं कि बच्चा अगर काम सही करता है तो इनाम दो, अदरवाइज उसको पनिश करो, तो इस तरीके ये सिखाने की गल करते। पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डीवी की इसकी बिल्कुल ओपोजिट से, ऐदा नहीं, वह कहते कि बच्चे की प्रोग्रेस होनी चाहिए है किसी भी तरह न, तो वह गल करते होंगे। नेक्स्ट है सम्मिलन या शामिल करना बारे किड़ा कथन सही नहीं है, इसके लिए तुम देखना है विच सेट इज नॉट ट्रू अबाउट इनकलूजन, दैन इसके लिए तुम आंसर करना है, मीनस एक राइट नहीं है उन्हें तुम्हें दसना है, मीनस बाकी तीन तो राइट होने वाले हैं ना। फर्स्ट है कि विभिन्नता का अभिनंदन करता है, कि वेलकमिंग डायवर्सिटी बिल्कुल ठीक है, मीनस इंडिविजुअल डिफरेंसिज में मानता देता है। सेकंड भी ठीक है ना कि चिल्ड्रन इन स्कूल वे स्कूल हु मे फील एक्सक्लूडिड, कि स्कूल विच बच्चे जो वांझिया महसूस करते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप गल करिए हाँ ठीक है अगे देखते हैं एक बार। थर्ड है कि सिर्फ वांझिया ते केंद्र ना करके सारे सिख्यार्थियों नू लाभ पहुँचाना, इसके लिए अगर आप गल करिए बेनीफिटिंग ऑल लर्नरस नॉट ओनली टारगेटिंग दैन द एक्सक्लूडिड। नैक्सट है मीटिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी ओनली, मीनस यही नहीं है कि अगर आप गल करिए कि सिर्फ अपंगता वाले बच्चों दी जरूरत पूरी करनी है, सिर्फ वर्ड आया इतने जो है साडे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अदरवाइज जो है बिल्कुल एक जो है ठीक सीगा। इस वध्या अगे जो है नैक्सट क्वेश्चन वाले इसके लिए देख सकते हैं। टेंथ क्वेश्चन, हेठां दित्तियां विचों किहड़ा उम्र समूह में बच्चों की वरण जो है डबल्यू बी टी एफ जी एन बोलन की समर्था पूर्ण विकसित होंगी है। देखो इसके लिए अगर आप देखिए ना, थोनू जो हूँ जो बुक्स आ रखी हैं उन्होंने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा 3 to 5 years, बट एक क्वेश्चन का आंसर गलत है जी, ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर रहेगा 18 to 24 months, एंड इस तू मैं प्रोपर जो है रिसर्च करने तो बाद ही थोड़े सामने रखे, एंड खुद जो ऑफिशियल आंसर की भी आई सी ना, मैंने खुद ध्यान में है इसका आंसर भी बोर्ड ने जो 18 to 24 months ही दिता सी, एंड यही राइट है। 3 to 5 years बहुत एक बाद की अवस्था है, तो ये तो बहुत लेट हो गया जी, 18 to 24 months में बच्चा ये सारे के सारे शब्द बोल सकता है, मीनस उसकी ये बोलन की समर्था जो है विकसित हो जाती है, इसके लिए तुम देख लेना। एंड अगर मैं गल करा तो वैसे इंग्लिश में क्वेश्चन मैं रिपीट कर देना, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप द चिल्ड्रंस एबिलिटी टू प्रोनाउंस द लैटर डबल्यू बी टी एफ जी एंड परफेक्टली ग्रोज, दैन इन यही ऑप्शन जो है राइट रहेगी। नेक्स्ट है जी, गेट्स के अनुसार अध्ययन का सब तो ढुकवा अर्थ है, ठीक है, तो इसके लिए जो है एक सब तो ढुकवा अर्थ तुम इसके लिए दसना है, उस बेसिस से तुम आंसर करना है कि गेट्स के अनुसार अध्ययन का सब तो है ढुकवा अर्थ केड़ा है, तो इसके लिए तुम आंसर करना है, फर्स्ट है कि सिक्ख्या का ग्रहण करना, सैकेंड है अनुभव और सिखलाई द्वारा व्यवहार का सुधार, थर्ड है व्यक्तिगत व्यवस्था निपुणता की प्राप्ति, तो चारा विचों जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल राइट रहेगा, अनुभव अते सिखलाई द्वारा व्यवहार का सुधार, ये चीज़ है इसके लिए तुम देख सकते हो। तो इसके लिए आप जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट है रहने वाले हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बाय एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, उस आधार पर ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगी। नैक्सट है जी, सिक्ख्या जी बच्चा परिवार विच प्राप्त करता है, तो सिंपल होंगी है गैर रस्मी सिक्ख्या, इसके लिए असी एक इनफॉर्मल एजुकेशन के तौर पर ही इसको जो है राइट ठहरावे। अगर आप गल करिए The education that child receives in families जो है
ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾਂ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਹੈ, ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਆਈ ਕਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਲਬਧੀ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਆਈ ਕਿਊ ਆਫ ਆ 20 ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਬੋਏ ਹੂਜ਼ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਇਜ਼ 15 ਈਅਰਸ। ਦੈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਕਿਊ ਦਾ ਫੋਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਏ ਅਪੋਨ ਸੀ ਏ ਇੰਟੂ 100। ਹੁਣ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 15 ਸਾਲ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਮਰ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਏਜ ਹੈ 20 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ 75 ਮੀਨਸ 75 ਹੀ ਇਸਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ। ਆਈ ਕਿਊ ਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਉਸਾਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੈਪ ਫੋਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਕੈਪ ਫੋਲਡਿੰਗ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ ਥਿਊਰੀ ਰੈਫਰਸ ਟੂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 14th ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ, ਓਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਗਿਵਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਐਡਲਟਸ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੈਪ ਫੋਲਡਿੰਗ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਆਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵੇਦੀ ਸੰਵੇਦਕ ਮੋਟਰ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਿਆਜ਼ੇਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਰਹੇਗੀ, 0 to 2 years ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੇਮ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ। ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ P1, ਪੇਪਰ 2 ਦੇ P2SS ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੇਪਰ 2 ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਸ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਫੋਰ ਆਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਜੋ ਗਰਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਜੀ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਲਸ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, 16th ਕੁਸ਼ਚਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ। ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸੂਤਰ, ਦ ਰੂਲਸ ਫੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੀਚਿੰਗ ਮੇਡ ਫਰੋਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਆਫ ਟੀਚਰਸ ਐਂਡ ਥਿੰਕਰਸ ਆਰ ਕਾਲਡ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸੂਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਕਸਿਮਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 17th, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਲ ਲਰਨ ਮੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਇਨ ਐਨ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ? ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 17th, ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਰਹੇਗਾ, ਕਿ ਵੇਅਰ ਦੇਅਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੀਡਸ ਆਰ ਮੈਚ ਐਂਡ ਦੇ ਫੀਲ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਵੈਲਿਊਡ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਸੀਟੈਟ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ 2016 ਵਾਲੇ ਸੀਟੈਟ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮ ਖੇਡ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਸਪਰ ਅਸਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਐਂਡ 8 ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਗਰਲ ਸ਼ੋਜ਼ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਬੋਥ ਆਫ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨਸ ਐਂਡ ਸੈਂਡ ਹਰ ਫੋਰ ਕੋਚਿੰਗ ਐਵਰੀ ਡੇ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨ ਹਰ ਓਨ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡਸ, ਹਰ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਐਨ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਦੈਨ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀ, ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੀਟੈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਪੀ ਹੋ ਗਈ। 6 ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਾਪੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, 2019-18 ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ PSET ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੇ ਗੌਣ ਏਜੰਟ ਹਨ? ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਏਜੰਟਸ ਆਫ ਜੋ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਮੀਜੀਏਟ ਜੋ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀਟੈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਪੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ, ਕੁਛ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ, ਲੈਬ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਈਗੋਸਕੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲੈਬ ਵਾਈਗੋਸਕੀ, ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 21st,
एक विकासशील क्लासरूम जो है, अगर आप गल करिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम की गल की जा रही है, इन्ना प्रोग्रेसिव क्लासरूम सैटअप विच अध्यापक सिखियार्थी एक अजिहा वातावरण प्रदान करके वधाउंदा है जेड़ा कि द टीचर फैसिलिटीज लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरमेंट दैट फर्स्ट आएगा ऑप्शन बिल्कुल एक राइट है प्रमोट्स डिस्कवरी कि खोज नूं प्रोत्साहन दिंदा है। देखो ये चीज़ ये क्वेश्चन भी सेम ही सी जेड दे विच कॉपी होया सी प्रोग्रेसिव एजुकेशन इन इंग्लिश विच कह सकते हो तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन हमेशा खोज नूं प्रोत्साहित करती है एक्टिव एक्सप्लोरेशन की गल करती है। ये भी क्वेश्चन सी टेट दे विच कॉपी होया होया सेम कुछ भी चेंज नहीं सी। एक पांच साल बच्चा टी शर्ट तय करन की कोशिश दौरान अपने आप नाल गल करता है उस द्वारा जो है दिखाए गए व्यवहार के संदर्भ में हेठ लिखे विचों केड़ा कथन सही है। अ फाइव ईयर्स ओल्ड बॉय टॉक्स टू हिमसेल्फ वाइल ट्राइंग टू फोल्ड अ टी शर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहेवियर डिस्प्लेड बाय द बॉय। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाली है जीन प्याजे वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगो सेंट्रिक स्पीच वाइल लैव वाइगोस्की एक्सप्लेन वुड एक्सप्लेन दिस as a child's attempt to regulate his actions through private speech। देखो प्याजेस नू स्वय केंद्रित गल दे तौर ते वर्णन करेगा पर वाइगोस्की इसका निजी गल दे तौर ते प्राइवेट स्पीच दे तौर ते इसनू डिफाइन करेगा। नेक्स्ट है जी हेठ लिया जमातां विचों अध्यापन का प्लेवे ढंग आधारित है तो यह किस ते आधारित होएगा इस दे लई तुसी दसना है मैं किस इंग्लिश विच भी दस देना एट लोअर क्लासेज प्लेवे मैथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन तो इसलिए तुसी दसना है तो आंसर नंबर जो है देखते हैं कि ऑप्शन राइट हो सकती है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होएगी विकास अते तरक्की दे मनोविज्ञानक सिद्धांत साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डिवेलपमेंट एंड ग्रोथ यही ऑप्शन जो है इसके लिए बिल्कुल एक राइट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हाँ दृष्टिकात जो है चौथी जमात के एक लड़के अ बॉय ऑफ फोर्थ ग्रेड विद विजुअल डेफिशिएंसी शुड बी फर्स्ट ऑप्शन है कि काम का हेठला पद्धर करन दे लई कट देना चाहिए गलत है ना इतना कि एक्सक्लूडेड टू डू अ लोअर लैवल ऑफ वर्क गलत है इनकलूजन की गल करांगे हमेशा आप। नेक्स्ट है जी उसके नियमित कामों में माता पिता के दोस्तों द्वारा जो है मदद देनी चाहिए है। देखो नियमित काम में नहीं कर सकते ना कि हर रेगुलर काम दे विच उसकी हेल्प करो हेल्प्ड विद हिज रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट थर्ड है कि जमात विच साधारण ढंग नाल वतीरा किया जाना चाहिए अते ऑडियो सीडी नाल सहयोग दिता जाना बिल्कुल ठीक है ना कि उसके लिए कुछ ना कुछ स्पैशल कर सकते हो बट उसनू नॉर्मल क्लास विच पढ़ाओ ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज ठीक है ये बिल्कुल एक राइट ऑप्शन रहेगी। नेक्स्ट है जी सिक्ख्या के इनसाइट सिद्धांत का सब तो पहला प्रतिपादन किया गया सी द इनसाइट थ्यूरी द इनसाइट थ्यूरी ऑफ लर्निंग वाज फर्स्ट प्रपोज बाय दैन आंसर इज वोल्फगैंग कोहलर। देखो जानते हैं गैसाल्ट वादी सी इसके बारे से असी काफ़ी बार डिस्कशन भी की है। 26 क्वेश्चन विकास कदे ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है ये विचार संबंधित है तो यह विचार असी जानते हैं सेम ये क्वेश्चन भी पी एस एट विच जो कॉपी हो गया इसने बिल्कुल सी टेट का तो यह निरंतरता के सिद्धांत ये भी तुम इस लिए देख सकते हो तो ठीक है इसमें तुम देख सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी के नाल तुम इस क्वेश्चन का आंसर देखोगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 27 उसनों देखते हाँ हेठां दित्तियां विचों केड़ा सिख्यार्थी विच रचनात्मकता नूं वधाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नरस ए वी क्वेश्चन सी टेट विचों कॉपी होकर आया सी पता नहीं किन्ने किन्ने क्वेश्चन कॉपी हो जिन्होंने पिछली बार 2016 वाला सी टेट देखा हुआ सी उन्होंने लिए तो बहुत बेनीफिट करया उन्होंने ठीक है उस टाइम पर मीनस बिल्कुल कह रहे हैं जी फोकस जरूर तो करो जी ठीक है इस दे लई तो ठीक है 27 क्वेश्चन दे लई देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों नू चंगी सिक्ख्या दा प्रयोगी मुल पढ़ाना या सेकंड है कि हरेक बच्चियों नू प्रश्न पूछना ते अंदरूनी प्रतिभा निखार दे अवसर प्रदान करना बिल्कुल राइट है कि प्रोवाइडिंग ऑपरचुनिटीज टू क्वेश्चन एंड नर्चर द इनेट टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है जी हेठां दित्तियां विचों केड़ी गुणवान विशेषता जो है केड़ी गुणवान सिख्यार्थी की एक विशेषता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करैक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टिड लर्नर इस दे लई तुसीं आंसर करना है। फर्स्ट है अपने कोल कि वह आक्रमणशील खिड़िया महसूस करता है गलत रहेगा ना इदा ही तो कोई गल नहीं है कि ही गैट्स फील एग्रैसिव एंड फ्रस्ट्रेटिड। नैक्सट है जेकर जमात क्रियावान चुनौतीपूर्ण नहीं हैं
ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਬੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਹੀ ਕੈਨ ਫੀਲ ਅੰਡਰ ਸਟਿਮੂਲੇਟਿਡ ਐਂਡ ਬੋਰ ਇਫ ਦਾ ਕਲਾਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਨੋਟ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਇਨਫ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ, ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗੜਬੜ ਨਾਲ, ਰੀਡਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਰੀਡਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 13th ਕੁਐਸਚਨ, ਰੋਬਿਨ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਬਿਨ ਹੂ ਡਜ਼ਨਟ ਟਾਕ ਮਚ ਐਟ ਹੋਮ ਟਾਕਸ ਅ ਲੋਟ ਐਟ ਸਕੂਲ, ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੈਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਰਹੇਗੀ, ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਥੋਟਸ ਗੈਟ ਐਕਨੋਲੇਜਡ ਐਟ ਸਕੂਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਪੇਡ ਗਰੁੱਪਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸਰ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੀਪਕ ਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਿਲ ਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਪੇਡ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲੋਡਿਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਪੇਪਰਸ ਆਪਣੇ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਕਸਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ।